हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल रामासर में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2025 के नए नोटिफिकेशन के बारे में। जी हां, नया नोटिफिकेशन 2024 का जारी हो चुका है दोस्तों। 24-25 के लिए वैकेंसी है, कुल 42,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। 5 सितम्बर से आवेदन स्टार्ट हो चुका है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास है। इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। स्पष्ट जानकारी आपको हम वेबसाइट के माध्यम से देने वाले हैं और क्वालिफिकेशन से लेकर के अन्य संपूर्ण जानकारी, आपको पदों की संख्या और संपूर्ण जानकारी से अवगत कराएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। तो हम बात कर रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अर्थात एसएससी के कांस्टेबल जीडी इन बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनसीबी, एसएसएफ, असम राइफल्स रिक्रूटमेंट 2024-25 डिटेल्स के बारे में। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और समझते हैं सबसे पहले वैकेंसी डिटेल्स के, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, साथ ही साथ क्वालिफिकेशन और अंतिम तिथि की भी चर्चा हम करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो 5 सितंबर 2024 से इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, और 14-10-2024 को रात्रि 11 बजे तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जबकि 15-10-2024 तक फीस पेमेंट के लिए लास्ट डेट रखी गई है। वहीं अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार का कोई मिस्टेक हुआ है तो 5 से लेकर के 7 नवंबर 2024 के बीच में आप ऑनलाइन करेक्शन भी कर सकते हैं। सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जनवरी फरवरी 2025 में इसका एग्ज़ाम होना सुनिश्चित हुआ है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें दोस्तों तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि एससी एसटी और महिला वर्ग के कैंडिडेट के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क दे नहीं है। शुल्क का भुगतान आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024-25 के एज लिमिट की बात करें तो 1 जनवरी 2025 से इसके आयु की गणना की जाएगी, जिसमें न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष, जबकि मैक्सिमम एज यानी अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो 23 वर्ष की उम्र के अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप 23 वर्ष से क्रॉस हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा रूल्स के अकॉर्डिंग। ध्यान रखें, एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए छूट प्रदान किया जाएगा। बात कर लेते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल नोटिफिकेशन 2024 के टोटल वैकेंसी डिटेल्स की दोस्तों। तो कुल 39,481 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई। जी हां, पदों की संख्या जैसा कि हमने आपको थंबनेल पर बताया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। 39,481 यानी लगभग 40,000 पदों पर यह वैकेंसी है, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के 15,654 पद हैं, जिसमें हम क्वालिफिकेशन का भी डिस्कस आपको बताएंगे। कल्चरल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स अर्थात सीआईएसएफ की बात करें तो 7,145 पद हैं। वहीं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स अर्थात सीआरपीएफ में 11,541 पद की संख्या है। वहीं सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की बात करें तो 819 पदों का सृजन किया गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो एसएससी जीडीपी कांस्टेबल एलिजिबिलिटी 2024 में क्लास 10th यानी हाई स्कूल एग्जामिनेशन पास इन एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड इन इंडिया, भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपके पास कक्षा 10वीं की मार्कशीट अगर है पास की तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी से मैंने आपको अवगत कराया है, फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। बात कर लेते हैं और अधिक पदों के बारे में। तो इसमें इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी आईटीबीपी के भी पद हैं, जिसमें 3,017 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। वहीं असम राइफल एआर की बात करें तो 1,248 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। वहीं सेक्रेटरियल सिक्योरिटी फोर्स अर्थात एसएसएफ के कुल 35 पद हैं, जबकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के 22 पदों पर इसका आगाज हुआ है। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2024 की कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात करें दोस्तों तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी के लिए आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किस किस कैटेगरी में कितने कितने मेल के लिए, कितने फीमेल के लिए पद हैं, इन सारी चीज़ों का सृजन किया है मैंने, यहाँ पर दिखा दिया है आपको। फिर भी दोस्तों एक बार मैं पढ़ करके भी आपको सुना देता हूँ। पोस्ट नेम में जानते रहें, एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल और एक तरफ हम पोस्ट नेम पढ़ते जाने। जैसे हम बात करें बीएसएफ की तो ये कोड इसका ए होगा। इसमें कुल पदों की संख्या 13,306 पुरुष वर्ग के लिए, जबकि 2,348 पद महिला वर्ग के लिए हैं। इसमें पुरुष वर्ग की बात करें तो 13,306 में 5,563 पद अनरिजर्व रखे गए हैं। वहीं 1,330 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 2,906 पद ओबीसी के लिए, 2,018 पद एससी के लिए, जबकि 1,489 पद एसटी कैंडिडेट्स के लिए रखे गए हैं। उसी प्रकार महिला वर्ग की बात करें तो 896 पद अनरिजर्व रखे गए हैं, 234 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 510 ओबीसी,
356 एससी और 262 पद एसटी के लिए रखे गए हैं। कुल 2348 पदों का सृजन किया गया है। वहीं सीआईएसएफ की बात करें दोस्तों, इसका कोड बी होगा। इसमें पुरुष के लिए 6430 जबकि महिला वर्ग के लिए 715 पद रखे गए हैं। इसकी बात करें तो अनरिजर्व रखे गए हैं सीआईएसएफ के लिए 2720 पद। वहीं पुरुष वर्ग में 644 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, 1420 पद ओबीसी वर्ग के लिए, 959 पद एससी के लिए जबकि 687 पद एसटी के लिए रखे गए हैं। वहीं महिला वर्ग में 308 पद अनरिजर्व रखे गए हैं। इसी प्रकार आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बहुत अधिक नहीं बताएंगे। स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपना एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। हाइट की बात कर लेते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी में, तो हाइट मेल और फीमेल अलग अलग रखी गई है। जैसे मेल के लिए 170 सेंटीमीटर रखा गया है हाइट, जबकि एसटी अगर मेल है तो 162.5 सेंटीमीटर भी चलेगा। वहीं फीमेल में 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, एसटी है तो 150 सेंटीमीटर भी मान्य है। चेस्ट की बात करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए, जबकि एसटी के लिए 76 से 80 सेंटीमीटर और फीमेल वर्ग के लिए चेस्ट का कोई इशू नहीं रहता है। रनिंग 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स यानी 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग करनी है। एसटी है तो भी उतना ही करना है, रनिंग सेम है। महिला वर्ग के लिए 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर, अर्थात 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी है, चाहे वह किसी भी कैटेगरी की महिला वर्ग कैंडिडेट होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों और अधिक जानकारी आपको हम देंगे, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आप कोई सलाह या सुझाव देना चाहते हैं या किसी प्रकार की कोई जानकारी आपको स्पष्ट नहीं हो पाई है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। रही बात फिजिकल एलिजिबिलिटी की, तो फिजिकल एलिजिबिलिटी में भी यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है, किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप पूछ सकते हैं। इसमें हाइट, चेस्ट और रनिंग के अलावा कोई भी और फिजिकल क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका है, कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे डायरेक्ट नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में के लिंक में, या आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मिल जाएगा, मैंने नंबर डायरेक्ट देकर के रखा है। तो आज की वीडियो क्लब इतना ही दोस्तों, मिलेंगे आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। लेते हैं विदा, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।